माने दिल तारा अल्लाह दे तेनू रब मनिया और केड़ा रब दा गवारा और केड़ा रब दा गवारा अल्लाह दे तेनू रब मनिया तू मनिया माने दिल तारा अल्लाह दे तेनू रब मनिया तू मनिया मन दिल तारा अल्लाह दे तेनू रब मनिया बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप सारे लोग जब खड़े होते हैं तो लगता है कि आपकी जो सूरत है ना वो दिलो दिमाग में ऐसी बसी है कि मुझे लगता है कि मैं बस सिर्फ देखता रहूं। यकीनन इतने खूबसूरत नजर आते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो तमाम जगह से आप मौजूद आ जाते हैं, आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ साहब? हाँ, आगरा से। ओह बहुत अच्छा जगह है आगरा। ये क्या लिया है मेरे लिए? हाँ हाँ हाँ, झारखंड बिहार से, बेंगलोर से। बहुत बहुत स्वागत है सर, मैं आता हूँ दो सेकंड। क्या लिया है? अच्छा अच्छा अच्छा, कमल का फूल। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगरा से आए आप, बेंगलोर से आए, बेंगलुरु से। बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। प्रतीक जी, ये कार्यक्रम देख के इसलिए स्पेशल आए, इस कार्यक्रम की महत्ता देख के आए, इस कार्यक्रम में लोगों का अनुभव देख के आए, इस कार्यक्रम के प्रति लोगों का झुकाव देख के आए, इस कार्यक्रम को कैसे लोग देखते और किस कैसे अनुभव करते हैं, कैसे मोदी जी का वर्चस्व आगे बढ़ता है। बाकी बस उसके बाद माइक हटा खींच लिया प्रभात जी, उससे ज्यादा नहीं बस। लेकिन मुझे अनुभव अगर देख के आए हैं आप, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है और क्या काम करते हैं? मेरा नाम मनोहर लाल है। और काम क्या है? मेरा ज्वेलरी का बिजनेस। जो ज्वेलरी वाला होता है वो नगीने को बहुत अच्छी तरह से जानता है, छांट छांट के नगीनों को लाता है। बाजी आ रहा हूं मैं आपसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप एक काम और अच्छा कर सकते हैं, आप प्रवक्ता बहुत अच्छा बन सकते हैं। अब आपको तय करना है किधर से बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि जो धारा प्रवाह बोलते हैं आप बगैर सांस लिए। हे बिहारवासी, नीचे आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। कहां से आए हो? सर मैं बिहार अररिया। ये मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप अच्छा बोलते हैं जी। सर मैं आपको बहुत पहले टीवी पे देखता था। बहुत पहले क्या मतलब, कोई बहुत ज्यादा बूढ़े थोड़ी ना हो गए, अभी अभी हम जवान हैं। देखना स्टार्ट किया हूँ ना, उससे पहले टीवी नहीं देखते थे? नहीं, उससे पहले नहीं देखता। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। कहीं ना आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। अरे बिहार ना हो तो भैया जी कहीं ना हो यार, तुम हो तो हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। कहाँ से हैं? सर आगरा से। हाँ आज आगरा बहुत ज्यादा पेठा ढाला है। मैं क्या हूँ, जरूर कहिए जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए। आप तमाम सारे लोग
जो इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं और जुड़ के पूरा एक गुलदस्ता बनता है, यही कुल मिला के एक शो है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम शुरू करें और मेरा ये मन करता है, मेरा पेट ही नहीं भरता कि जब तक तमाम सारे लोगों से रूबरू ना हो जाए, बातचीत ना कर लें, तब तक बात नहीं बनता। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग की जो भीड़ है, जो आप लोग तमाम सारे लोग खड़े रहते हैं, बहुत सजग रहना चाहिए और बहुत सजग होकर रहना चाहिए। सजग से मेरा मतलब है अपने बटुए, अपने पैसे, अपनी मोबाइल जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है हमेशा कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे चक्कर में पता चला प्रोग्राम में ऐसा खो गए कि बैंगलोर से आए थे और पता चला कि भाई बताओ जरा कैसे जाना होगा। जी हाँ, पैसा उधार मांग के वापस जा रहे हैं। नहीं नहीं, उधार क्यों मांगेंगे, मतलब बैंगलोर से आए थे तो पैसा यहाँ मिलेगा ना, यहीं सबको पैसा मिलेगा। हाँ हाँ, पानी भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और जो तुम मुझे उसके बदले में देते हो प्यार, तो उसके वजह तो मिलेगा ही ना, इतना तो मिलेगा। ऋतु चौधरी जी कुछ देर में पहुंचने वाली हैं, मुझे पता चला रास्ते में है। कांग्रेस की प्रवक्ता ऋषभ तिवारी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। विष्णु प्रिया राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कवि भी हैं, कविता लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात जी सोच रहे पता नहीं आगे और क्या बोल देंगे ये, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथल जी आजकल बहुत उदास रहते हैं, बहुत कम शो में आते हैं, क्या बात है सूर्या जी, बहुत कम आते हैं शो में आजकल आप बुलाते ही नहीं है। बताओ आपको मैंने बुलाया था, अरे आप बार बार जब मैं आता हूँ उधर नहीं क्या खोलने लगते हैं आप, ये कहाँ से कहाँ तक यात्रा है हमारी। अच्छा यात्रा करें हमारे लिए लाए, यात्रा जा रहे हैं। अच्छा यात्रा जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या जी, आ जाया करिए, आपका ही शो है, अपने घर में कोई किसी को बुलाता है भला, जब मन हो तब आ जाया करिए। आप जब बुलाएंगे मैं तब हाजिर हो जाऊं। नहीं 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 नहीं, अब ऐसा थोड़ी ना होता, ये आपका घर है, जब मन करे तब आना। कहाँ से आना हुआ बेटा? बदायूं से। बदायूं से, किसके साथ आए हो? पेरेंट्स के साथ आए। जी बोलिए क्या कह रही थी। अरे नहीं नहीं, कुछ कह तो रही थी आप, बताइए। हाँ जी, बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी क्या? 24 29। अच्छा बड़े फार्मूले में बोलते हैं साहब, क्या काम करते हैं आप? हमें बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, हाँ बिजनेसमैन ऐसे ही बोलता है। कभी जूते की दुकान पे गए हैं आप? समझ ही में नहीं आता कौन सी नाप का वो जूता देता है, मैंने बड़ी कोशिश की उसका पकड़ने की बातचीत। वैसे जौहरियों के यहाँ भी यही है, सोने वाले भी बात नहीं समझ में आती क्या बोलते हैं वो। बहरहाल प्रभात जी से बात हो गई, सूर्या मैथिल जी से हमने कह दिया घर ही है। रुनझुन जी, इनका नाम रुनझुन नहीं है, चुनचुन है, लेकिन मैंने इनका नाम रुनझुन रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज बोले इतना मूड में है कि आज सबका परिचय ही देते चले जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहानी लिखती हैं, कविता भी लिखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंकित जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुणा जी थैंक यू सो मच। मैम कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार में। कहाँ से? सासाराम से। क्या नाम है इनका? मानवी। मानवी जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से मुद्दा शुरू करें? 24 की बात है, ट्विटर पे वॉर है, ट्विटर पे बहुत तमाम सारे लोग इधर से भी लिख रहे हैं, उधर से भी लिख रहे हैं, बात लिखी जा रही है। किसी ने कहा कि तमाशा है, और ये बात कांग्रेस ने लिखी, प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया और तमाम तरह की चीजें जोड़ दी। किसी ने कहा राग है एक और रंग है अनेक, और उसमें बताया कि ये जो कामगारों से मिल रहे हैं राहुल गांधी, उसके पीछे ये है कि प्रेरणा जो है बीजेपी की है, इसलिए मिलना शुरू कर रहे हैं। बातचीत अनेक तरीके से की जा सकती है, लेकिन मैं सोच रहा हूं जब तक कांग्रेस की प्रवक्ता ना आ जाए बातचीत का सिलसिला कैसे शुरू हो। लेकिन प्रभात जी ने कहा कि नहीं ठीक है, मैं मोर्चा खोलता हूं। जी प्रभात जी बताइए। राहुल जी जब कामगारों से मिलते हैं, कूलियों से मिलते हैं, तो ये राहुल जी उनसे मिलकर के अपने मन की बात नहीं कहते, उनके मन की बात सुनते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जब आते हैं टीवी पे आकर के मन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ अपने मन की। अच्छा एक बात बताओ यार प्रभात जी, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा नपना है, नपना जानते हो, नापने वाली चीज कि थर्मामीटर? हाँ हाँ वही थर्मामीटर। तो ऐसा कौन सा थर्मामीटर है जब आप राहुल गांधी मिले कामगारों से, तो वो कामगारों से मिल रहे हैं, सच्चे भावना से मिल रहे हैं, और प्रधानमंत्री जब मिले कामगारों से तो आपको लगता है कि नहीं। प्रधानमंत्री मिलते
नहीं नहीं ना गजब। और ये जो वेस्टा बन गया वहां जो मजदूरों हमने ना इतना बड़ा वेस्टा बन गया सेंट्रल वेस्टा वहां तमाम कामगार आ गए प्रधानमंत्री सबसे मिल लिए लेकिन वो कामगार नहीं है वो कांग्रेसियों को नहीं दिखाई देगा कहां से आना वो यूपी में कहां से अमेठी से मैं मुंह से ही निकलने वाला था ये अमेठी के होंगे यकीनन कभी कभी लगता है कि जो मेरे कंधे बैठा रहता है ना दिखता नहीं है तुमको वो कान में फूकता है मेरे बधीरथ तो अमेठी में कहां रहते हैं अमेठी तिलोई विधानसभा तिलोई विधानसभा अरे जाना हुआ है मेरा तिलोई तो कांग्रेस को क्यों नहीं दिखता है कांग्रेस को नहीं दिखता मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी अमेठी कब आए अमेठी जब हरा दिया तो काहे के लिए आए जीतने के बाद भी पाँच साल में दो बार तीन बार बस उसके अलावा दिखाई नहीं देते तो पूरी बात करने दो प्रभात जी को प्रभात जी आप कोई माइक नहीं हटेगा और ये बताइए मजदूर नहीं आशा क्या करते मजदूरों के बीच में भेद करते जब आप मिले मजदूरों से तो मजदूरों से मिले प्रधानमंत्री मिले कामगारों से तो नहीं वो मन की बात है मैं प्रधानमंत्री जी की बात इसलिए कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी अब विपक्ष के लोगों को दुश्मन समझ रहे हैं कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं कभी इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हैं एक बात तो स्पष्ट है प्रतीक भाई जो मुझे दिख रहा है और देश को भी दिख रहा है यूपीए इंडिया बनी तरक्की हुई है उसकी लेकिन एनडीए भाजपा होते हुए मोदी हो गए अब एनडीए नहीं है चर्चा नहीं होती किसी चैनल पर कि भाई वो डीएमके जो है तमिलनाडु वाली वो कहां गई लेकिन अगर हमारे यहां जरा सा कोई बात हो जाए पूरे मीडिया में बस वही इसी को शो ऑफ कहते हैं इसी को तमाशा बोलते हैं ना जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जो यहां मीडिया के लोग कर रहे हैं जी ठीक है जनाबे आली आगे आओ जी धन्यवाद प्रतीक जी पहले पूरे देश को आप सभी को भारत माता की जय और वंदे मातरम अभी कह रहे थे कामगारों से नहीं मिलते प्रधानमंत्री जी अरे भैया वो तो खुद ही कामगार है वो कामगार थे चाय वाले थे चाय वाले को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया आप लोग नामदार हैं आप लोग सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं इसलिए राहुल गांधी जी को जमीन पर उतरना पड़ रहा है इस जनता के कारण कि भैया कैसे ट्रक ड्राइवर जीवन जीता है कैसे कुली जीवन जीता है कैसे जुलाहा जीवन जीता है और ये ओबीसी की भी बात करते हैं प्रतीक जी मैं बहुत प्रकांड है हमारे प्रभात जी उनसे पूछना चाहता हूं अरे भैया 250 चीफ मिनिस्टर आजादी से अब तक कांग्रेस ने बनाए उनमें से कितने चीफ मिनिस्टर आपने मुझे मालूम था ये होने वाला है जैसे ही आपने कहा कि इतने ऑफिसर्स में सिर्फ 3 ओबीसी तो मुझे मालूम था कोई ना कोई आंकड़ा ढूंढ के लाएगा तो मैं पूरी बात लेता हूं जी हाँ जी उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 68 चीफ मिनिस्टर बनाए उनमें से 22 चीफ मिनिस्टर ओबीसी थे और मैं पूछना चाहता हूं ये ओबीसी चिल्लाते हैं भैया आखिर क्या कारण था कि ओबीसी आयोग को अपने राष्ट्रीय आयोग का दर्जा नहीं दिया ठीक सांस लो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ओबीसी एससी एसटी बोलते रहो अभी बताओ कि जातिगत जनगणना करवाओगे नहीं करवाओगे सीधा और साफ सवाल जातिगत जनगणना करवाओगे नहीं करवाओगे सीधा और साफ सवाल अगर करवाते हो तो फिर कहो हाँ नहीं करवाते तो बोलो ना इनसे पूछिए 60 साल तक इनके पैरों में किसी ने मेहंदी लगवाई थी या पैरों में घुंघरू थे तो छम 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 नच रहे थे इसलिए नहीं कर पाए जब ये सत्ता में थे तब तो मलाई चाट रहे थे सारा काम नरेंद्र मोदी करे 370 नरेंद्र मोदी आता है 35 नरेंद्र मोदी आता है 3 तलाक नरेंद्र मोदी आता है सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी करे और ये मलाई खाए घोटाले की 2G 3G पानी लग दो में वोट ले लिया जिस नाम पर 24 में नहीं मिलना देश दोबारा झांसे में नहीं आएगा मैथिल जी अब नहीं मिलना देश महंगाई बेरोजगारी और आपने जो जुमलेबाजी की तरह काम किया देश के अंदर उस अरे हम थोड़े कह रहे हैं आप नहीं गृह मंत्री जी ने कहा था जुमला है भाई मैंने बोला हूँ जी जी आगे वोट पर ओबीसी की बात करते करते आगे ओबीसी वोट पे कहो ओबीसी वोट की चिंता है मैं एक तथ्य रखता हूँ प्रभात भाई सुनो 1979 में मंडल कमीशन बनाया गया किसने बनाया भाजपा जनता और जनता पार्टी की सरकार ने भाजपा उसमें थी 80 में आ गया रिकमेंडेशन बीपी मंडल का
10 वर्षों तक इंदिरा जी प्रधानमंत्री, राजीव जी प्रधानमंत्री, आपने लागू नहीं किया। जब जनता दल की सरकार आई, भाजपा बाहर से समर्थन कर रही थी, तब तो इसके ओबीसियों को आरक्षण मिला है। सर दूसरी बात, ओबीसी की बात करता हूं ना, मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर है ओबीसी, बोलो कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट ओबीसी होगा और देश में ओबीसी की नहीं करोगे। ये जाने नहीं, पहले 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 भाई भाई अपने अपने पाले में चलो, अपने अपने पाले में चलो। मुझसे मैं आ गया। मुझसे लोग कहते हैं कि आप बहस करवाते हैं या कबड्डी करवा रहे थे, तो अपने अपने खड़े रहना चुपचाप जी। मेरी एक बात कहना है, ये जो भाई साहब बोल रहे थे कि जाति जनगणना हिंदुओं की क्यों जाति जनगणना करनी, पहले मुसलमानों की जाति जनगणना कराओ, सबको अलग अलग बताओ। हिंदुओं की कोई जाति जनगणना नहीं होगी, हिंदू एक है, हिंदुओं की कोई जाति जनगणना नहीं होगी। पहले हमको जैन को अलग कर दिया, बौद्ध को अलग कर दिया, सिख को अलग कर दिया, हम सब हिंदू हैं, पहले हिंदू है, हिंदुओं की कोई जाति जनगणना नहीं। तो प्रधानमंत्री जी को समझा लो, खुद को अति पिछड़ा बोलते हैं मंचों से, तब पूछना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना करवाओ। मैंने धर्म की बात नहीं करी। रुको, समझो, एक मिनट, कहां रह गई थी आप? ट्रैफिक बहुत था जी। अगर कहां से आना हुआ? मैं बिहार से हूँ। यहाँ बिहार में कहां से? बिहार सासाराम नोखा से। सासाराम के लोग बहुत ज्यादा आ गए। ऐसा है कि शाम हुई है तो सुबह जरूर होगी, और ये घमंड ना पाले बीजेपी वाले कि साम्राज्यवादी ताकतों को ला करके खड़ा करेंगे और गरीब होता जाएगा, ये भूल जाएं। ये जनता की ताकत है और जनता बताएगी 24 में किसको बनाना है। जनता बताएगी 24 में किसको बनाना है, और घमंड नहीं होना चाहिए जी। मैं आया पाप, अभी तक बीजेपी नहीं बोला था, अब बीजेपी देन कांग्रेस जी। प्रतीक भैया, आपका जो शो है वो छोटे शहरों में बैठ के मेरी माँ और बाकी औरतें भी देखती है, बस नमस्ते बोल दिया, सबकी इच्छा है, बड़ी फैन है सब आपकी। नमस्ते सबको, बहुत बहुत नमस्ते। हम तो कह रहे हैं बस नमस्ते में काम चले, तो मैं इनको बुलाऊं ना किसी को, मेरा काम नमस्ते में चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हैं तो मेरे शो की ताकत है, आप लोग बने रहिए और ऐसे देखते रहिए, प्यार करते रहिए। कोशिश करूंगा कि मैं आप तक जरूर आऊं पहुंचूं, लेकिन आप लोगों का जो स्नेह और जो भागीदारी मिलती है वही हमारी ताकत जी। मैं इसलिए कहा क्योंकि ये शो अपने आप में इतनी बड़ी लोकतंत्र की परिभाषा है कि अच्छे अच्छे लोगों को बोलना सिखा देता है, लोकतंत्र की समझ को भी बतलाता है। मुझे तो एक दुख है और निवेदन है, आदरणीय मनमोहन सिंह जी अगर आपके शो में आ जाते तो वो भी 10 साल बोलते और विकास की गति पे देश को चलाते। ये मैं आपके शो की खासियत है। मेरी बात सुन लो। देखो मैं बिल्कुल बोलो, मैं मुझे एक सेंटेंस बोलने दो। आदरणीय मनमोहन, नहीं तुमने कुछ नहीं कहा, मैं बस सिर्फ कह रहा, आदरणीय मनमोहन जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, गरिमा उस गरिमा के अनुरूप रहना चाहिए, जरूरी नहीं है। आप जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन यहाँ आइएगा, जरूर बोलिएगा। गरिमा इस जनता से ही है और यह जनता इस देश की खूबसूरती है, इनके लिए ही सरकार कार्य करती है। जरा आपसे निवेदन करूंगा, आसमान की ओर बार देखिए। नहीं बार देखिए आप, इसी तरह पहले युवाओं को आसमान की ओर देखना बोलता था और कहता था सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, सरकार को सर्वप्रिय बताती थी। जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार आई है, सरकार को कहती है सेवा के लिए है, माई बाप नहीं है सरकार। तुम्हें उनको यह एहसास दिलाया कि नौकरी मानने वाला केवल नहीं, आप नौकरी देने वाले भी बनते हो जी। आइए कांग्रेस देखिए, लगातार अभी जब से मैं आई हूँ मुझे लग रहा है कि ओबीसी पर जो है घमासान जो है, जबकि टॉपिक नहीं था ओबीसी का, मैंने तो वहाँ से शुरू किया था, वो जो आपका सवेरे वाला ट्वीट था वहाँ से मैंने शुरू किया था, तमाशा और राग रंग वहाँ से शुरू किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो ओबीसी की तरफ गाड़ी मुड़ गई। देखिए लगातार ओबीसी पर जो है भाजपा जो है वो मौन है, मोदी जी से ओबीसी की बात करी जाती है तो वो और तमाम बातें बोलते हैं लेकिन ओबीसी का जिक्र नहीं करते। ओबीसी का नाम तभी आता है जब उनको राजनीतिक फायदा लेना होता है, जैसे कि राहुल गांधी जी पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया। अभी राहुल गांधी जी ही कह रहे हैं कि ओबीसी को अपना जो उनका हक है, जितनी उनकी आबादी है उतना उनको हक दीजिए, तो पूरी भाजपा का जो है सन्नाटा छाया हुआ है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, मोदी जी के पास जवाब नहीं है।
क्योंकि ये सरकार हमेशा से दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के खिलाफ रही है और इनका चेहरा जो है वो लगातार बार बार देखने में सामने आता है। आज भी जो है देखना, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 12 वर्षीय एक जो बेटी है वो दलित बेटी है और उसको तमाम तरह के जो है उस पर लगाए गए। कभी बोला गया कि ये भिखारी है, कभी बोला गया मानसिक विक्षिप्त है, जबकि वो स्टूडेंट है और एक दलित परिवार से संबंध रखती है। लेकिन जब 25 तारीख को मोदी जी की रैली है मध्य प्रदेश में और पूरा जो है प्रशासन अलर्ट है, उसके बाद वो बच्ची जो है 2.5 घंटे मदद के लिए गुहार करती रहती है लेकिन कोई मदद नहीं। मैंने देखा जब स्वाति मेरी तरफ देख रही थी जी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। निकाल दिया इन्होंने एक बलात्कार पीड़िता का, जाति दलित, इनको राजस्थान नहीं दिखा। मैं नहीं बोलना चाह रही थी क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं होती है ना तो ना तो प्रदेश देखना चाहिए, ना जाति देखना चाहिए, ना धर्म देखना चाहिए। राजस्थान पे एक ट्वीट कांग्रेस का कहीं से मुझे कहीं नहीं दिखा। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बोलेंगे कि हमारी गलती है जो एक महिला का बलात्कार करने के बाद जैसे तंदूर पे रोस्ट करते हैं चिकन ना, वैसे एक औरत को अधमरी हालात में रोस्ट करके रख दिया गया है। कोई पूछने वाला नहीं है। एक अंतर मैं बता देती हूँ, उज्जैन का जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे है, राजस्थान का आरोपी कहाँ है? राजस्थान का आरोपी कहाँ है? बंगाल ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? कर रहे हैं दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट की है, कोर्ट में मामला है। कैसी बातें कर रहे हैं? हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गा रहे। मैंने पहले ही कहा कि औरत का मुद्दा औरत है, मैंने कहा। लेकिन जब बात घुमा फिरा कर तो आप बोलिए राजस्थान के ऊपर बोलिए। बंगाल में क्या हुआ? मैं उसी में आ रहा हूँ। बंगाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, जब यहाँ ये जब नहीं, जब बंगाल में क्या हुआ बताइए। मैं बिल्कुल बोला हूँ उस पे, बोलिए। अगर बंगाल में भी ऐसा हुआ तो गलत हुआ, और गलत का ऐसा हुआ क्या मतलब भैया? अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ, मैं किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं अंकिता भंडारी के हत्यारे का भी समर्थन नहीं करूंगा। प्रतीक जी बार बार ये कहते हैं कि आप दलितों का नाम क्यों लेते हैं? नहीं, मुझे ये बताइए, आप तो मुझे आज बहुत नाराजगी है। आप हमारे पैनल पे आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जरूर आइए, लेकिन जब आपको महिला का दर्द साझा करना है तो आप सिर्फ उदाहरण वही देंगी। मैंने तो कहा कि वो नपुंसक हैं लोग उज्जैन के, कहते मैं बहुत बहुत दुख के साथ कह रहा हूं मैं कि वो भागती रही चिल्लाती रही और कोई आगे नहीं आया। सलाखों के पीछे है अपराधी, उसका जो अपराधी उसके बाप ने कहा कि उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, रोस्ट कर दिया एक औरत को, हाथ बांध दिए, बंगाल अंकिता भंडारी भी बोलना पड़ेगा भैया। अंकिता भंडारी नहीं, मैंने कहा सारे लोग। हम भी उतने ही नपुंसक हम भी हैं, बिल्कुल ठीक बात है, उतने ही नपुंसक मैं भी हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो जब उदाहरण दिया जा रहा था तो क्यों नहीं दिया गया? मैं पूछा। देखिए, चाहे बेटी कोई भी हो, किसी भी राज्य में हो और किसी भी जाति की हो, बेटी सबकी बेटी होती है, देश की बेटी होती है। चाहे वो उसका जो है चीरहरण जो है बंगाल में हुआ हो, चाहे राजस्थान में हुआ हो, और चाहे मणिपुर। आपने ममता से पूछेंगे? ममता दीदी से जी बिल्कुल पूछेंगे। पूछिए तो अभी पूछ रहे हैं क्यों बेटियों के साथ ये अत्याचार। प्रतीक जी, इस प्रकार की घटना चाहे किसी भी राज्य में हो शर्मसार है। राइट, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, महिलाओं की बात हो रही है, पहले मुझे समझ नहीं क्या टॉपिक है आज का, फिर महिलाओं पे। अरे टॉपिक यहाँ पे पता ही नहीं चलता क्या है, कहाँ से शुरू हुआ पता नहीं, कहाँ पहुँच गई बात। मतलब भारतीय जनता पार्टी आज महिलाओं की बात करें, महिला सुरक्षा की बात है, बड़े शर्म की बात है, बड़ा हास्यास्पद है। वो भारतीय जनता पार्टी जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के सामने चरण चुंबक बन के खड़ी हो जाती है, एक अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, वो भारतीय जनता अपने कुलदीप सेंगर के खिलाफ नहीं बोलती, वो भारतीय जनता पार्टी चिन्मय आनंद के खिलाफ नहीं बोलती, और वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर के अंदर इतनी बड़ी घटना होती है 36 सेकंड में वो संवेदना व्यक्त नहीं करते, तो मुझे शर्म होती है। और जहां तक किसी राज्य की बात नहीं होती,
ना भारतीय जनता पार्टी, तो मैं भी बता रहा हूँ सर आपको, सबसे पहले पीड़िता जो होती है ना प्रतीक भैया, वो कहती है माँ जब मुझे दर्द होता है तो ये क्यों देखा जाता है कि अगर मैं दलित हूँ तो राजनीति रोटी सेकने का मुद्दा दिखता है, अगर मैं हिंदू हूँ तो ये दिखता है चलो कैसे किसको बदनाम करे, अगर मैं यूपी की बेटी हूँ तो दिखता है चलो भाजपा सरकार को बदनाम करे। जिस दिन सारे राजनीतिक दल अगर इन दरिंदों के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे ना, ये इनको सबक मिलना शुरू हो जाएगा सारे लोग को। और एक बात मैं आपको, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, एक बात और मैं स्पष्ट करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्या करती हूँ मैं बताता हूँ। आम आदमी पार्टी क्यों रोना रोती है जब कोई आदमी जेल में बंद है घोटालों के लिए? आम आदमी पार्टी उसका क्यों सपोर्ट करती है जब इनके मंत्री, कानून मंत्री फर्जी डिग्री में बाहर है? और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को शौचालय देकर उनकी इज्जत बचाती है, भारतीय जनता पार्टी छत पे घर देकर उनको राहत देती है, भारतीय जनता पार्टी मच। थोड़ा ऑडियो दे दीजिएगा, जहां पे शो छोड़ा था, जहां पे ब्रेक लिया था, आपको लग रहा था बहुत अकस्मात मैंने ब्रेक लिया, ब्रेक अकस्मात नहीं लिया था, एक युवा यहां से कुछ कह रहा था, मुझे सुनने में कुछ गलती हुई, वो कुछ बात कह रहा था अपनी और मैंने बात सुनी थी उसकी, लेकिन जिस समय पे जिस बोर्ड पे बात कही, सलाम अलैकुम, जिस समय पे उन्होंने वो बात कही वो बात उचित नहीं, क्योंकि मैं जिस महिला से बात कर रहा था वो सात साल से, पिछले सात साल से इस बात से परेशान है कि पति ने छोड़ दिया, ना तो कोई कंपनसेशन, अब तो वो ये कहती है कि दूसरी शादी भी कर ली, दूसरी शादी कर ली है सर, तीन साल हो गए। मेरा शो का पता नहीं था, मुझे हाल चाल कुछ नहीं पता रहता, मुझे ना तो अपने शो के बारे में ये भी पता रहता कि मुद्दा कौन सा है, कहां से लेके चला हूं मैं, कौन से मुद्दे के पास पहुंचा हूं। ये बात सच थी कि जब मैंने शो शुरू किया यहां पे आज, तो कोई पॉलिटिकल डिबेट पे ही बात होनी थी, वहीं से बात शुरू की थी, 24 का चुनाव है निश्चित तौर से बात वहीं से शुरू होगी, लेकिन शो वहां पहुंचा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाया, तो यह माना जाएगा कि एंकर की कमी है, एंकर इस काबिल नहीं है कि उसने उस शो को वहां तक पहुंचाया, यह टेलीविजन की भाषा में इसे ऐसे कहा जाएगा, और अगर टेलीविजन की भाषा में उसको कहें, अगर इसके प्रोड्यूसर की बात करें तो यह माना जाएगा कि आप इस काबिल नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, आप रहन दीजिए, लेकिन मैं काबिल हूं या नहीं हूं यह प्रश्न नहीं है, जनता मेरे मुद्दे को लेना ही नहीं चाहती, जो मैं लेके चला था, जो मैं आलू लेके घर से आया, उस आलू का कोई खरीदार था ही नहीं, ना तो उस टमाटर का कोई खरीदार था, ना उस प्याज का, नहीं मतलब थे आपकी तमाम लगाई हुई दुकान से, मुझे अपनी, इसको इसका इलाज करो जरा तुरंत, उसको जरूरत थी अपनी, इसको अपने इंसाफ की जरूरत थी, उज्जैन में उस लड़की को, भागती हुई लड़की को इंसाफ की जरूरत थी, और उस बेजुबान को बंगाल में जिसके हाथ बांध के जला दिया गया उसको इंसाफ की जरूरत थी, तो मेरा आलू टमाटर कौन दुकान में खरीदता, कौन लाता, नहीं खरीदता तुम्हारा आलू टमाटर,
मुझे नहीं मतलब, किसी ने कहा उस जाते हुए भाई रुको सरदा ना करो, बहुत उतावला उधर से काम नहीं बनेगा तुम्हारा। किसी ने मुझसे कहा कि प्रतीक जी आपके बोलने से क्या होगा, टेलीविजन में बोलने से क्या होगा, टेलीविजन में बोलने से यह होगा कि दो चार पांच प्रवक्ता बनने की कोशिश में हैं वो बन जाएंगे। नहीं, मेरा काम मुझे बखूबी है मालूम है, होगा बोलने से होगा, जरूर होगा। अगर आप सच्चे हैं तो जरूर बोलने से होगा। मेरा काम यह है कि अगर आप में कुव्वत है तो टॉपिक को बदल दीजिए, अगर आपके अंदर कुव्वत है तो इनका किस्सा आ गया, इनके किस्से को इनके मुद्दे को उठा लीजिए। यह अकेली नहीं है, इस देश में तमाम महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिला और वो इंसाफ से भटक रही हैं। चार घंटे खड़ी रही शो में कि शाम का शो होगा तो मैं अपनी बात कहूंगा, 15 नहीं 18-19 मिनट वेट किया इस औरत ने कि कहूं या ना कहूं। जब महिला की बात आई तो बड़ी हिम्मत करके हाथ उठाया, निगाह पड़ गई मेरी, बस इतना ही है काम मेरा। अब इसको या तो कहिए चुप, या तो इसको कहिए कि ये काम नहीं जानते, या ये कहिए कि इनके लिए काम होना चाहिए। कहां लड़ाई लड़ी जा रही है आपकी? सर कर्कडुमा कोर्ट में। कर्कडुमा कोर्ट में शादी के कितने साल हुए थे? सर एक साल। एक साल, एक बेटी है, आप कितनी साल की हो गई? 8 साल की हो गई। 8 साल की हो गई। क्यों नहीं मिला, कंपनसेशन नहीं मिला या कोई ग्राउंड, महिला जो मेंटेनेंस कहते हैं कंपनसेशन का, मेंटेनेंस वो मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता सर। क्यों नहीं मिलता? सर फिक्स्ड हो गया, वो केस भी खत्म हो गया, 125 सेक्शन खत्म हो गया। हाँ जी, 2021 में फाइनल ऑर्डर कर दिया जज साहब ने, बट उसके बाद से भी नहीं मिला, उससे पहले भी नहीं मिला। उसके बाद वाले कोर्ट में, अपर कोर्ट में गए? अपर कोर्ट में नहीं गई सर, उसी में एग्जीक्यूशन डाली है, एग्जीक्यूशन में भी वो अभी नहीं आ रहा है। 2 एग्जीक्यूशन डाल दिए, सम्मन पहुंचाए, अरेस्ट वारंट भी कोर्ट से निकला डीवी एक्ट से, वो नहीं आ रहा है। अब आप कहती हैं शादी भी हो गई? हाँ जी शादी हो गई, मेरे पास प्रूफ है, मैंने प्रूफ नहीं सवाल अब वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे मुझे तो उससे नहीं मतलब, मुझे तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि न्याय हुआ या नहीं हुआ। अगर न्याय हो गया आपके साथ, आपको मिल गया न्याय, तो मुझे कोई अख्तियार नहीं कि पब्लिक प्लेस में बात करूं मैं, लेकिन अगर न्याय नहीं हुआ आपके साथ, आपको लगता कि अधूरा रह गया, तो जरूर आपकी बात सुनी जानी चाहिए और ऐसे आप जैसे तमाम सारे लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। क्यों नहीं सुनी जा रही है, ये बात है, सवाल उठता है इस बात का। मैं आता हूं आपके पास, बात करूंगा और मैं आपसे बात करूंगा बाद में शो में। जी कुछ कहना चाह रहे? जी वेरी क्विक। कविता तो कुछ और सुनाने आया था, महिलाओं के मुद्दे पर एक दो लाइनें बोल दूं। कुछ मनन करो, कुछ मनन करो, ऐसी दुनिया का सृजन करो जहां बहू जलाई ना जाए, जहां बिटिया सलामत घर आए, जहां निर्भय बच्चे खेल सकें, जहां खुशियां मिलकर जहां सुख दुख मिलकर झेल सकें, ना व्यर्थ की मारा मारी हो, जहां खुशियों की फुलवारी हो, जहां राम बसे हर एक नर में, सीता जैसी हर नारी हो। कुछ मनन करो, कुछ मनन करो, ऐसी दुनिया का सृजन करो जहां झगड़ा और फसाद ना हो, जहां धर्म पे कोई विवाद ना हो, जीते जी स्वर्ग बने धरती, मरकर जन्नत की बात ना हो। कुछ मनन करो, कुछ मनन करो, ऐसी दुनिया का सृजन करो। क्या नाम हो गया साहब आपका? राजीव कावत्रा सर, आगरा से। राजीव कावत्रा साहब, यहाँ पे तो एंकर ही लड़ा देते हैं लोगों को, टेलीविजन वाले। कहा है उसी दुनिया बनाए, और किसकी दुनिया बनाए, कैसी दुनिया बनाए, जब आपस में ही लड़ाने के लिए तमाम सारे लोग खड़े हैं, एक दूसरे से लड़ा के ही काम बनता है। लड़ाएंगे तभी फायदा होगा, तभी लॉटरी निकलेगी। आज बहुत सारे लोग नहीं बोल पाए। रुंजुन वेरी क्विक, मुद्दा नहीं मुझे मालूम क्या था आज का, भूल गया। मैं सर ये कह रहा हूँ, चुनाव आते ही नेता लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं। जो चांदी और सोने के चम्मच लेके पैदा होते हैं, जिनके नाम से घृणा करते हैं, जिनको देखना नहीं चाहते, ये चुनाव उनके घर में जाकर के नीचे बैठ करके खाना खाने लगते हैं। हम लोग वोट, क्या बात है, आगे रुंजुन। हम लोग वोट क्यों दें, किस गठबंधन को दें, हमें उनसे पूछना चाहिए कि आपको अगर वोट दें तो हमारी सुरक्षा क्या है, कैसे सुरक्षा करोगे ये बताओ। ये नहीं कि हम आएंगे हम कर देंगे। आज के समय में जो है, कहीं एक स्टेट में घटना हो जाती है तो उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी फलाने स्टेट में तो इससे ज्यादा है। अरे आपको क्यों चुना था, उससे ज्यादा था इसलिए तो आपको चुना था, लेकिन आपने नहीं, क्योंकि आप लोग राजनीति करते हैं, लोक नीति नहीं। ये हाल है। हम पेट भरने के लिए भरपेट भोजन की जरूरत होती है, भगवान के प्रसाद से पेट नहीं भरता है।
ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ना सर। रुंझुन ऐसे ही आप जैसे ही खड़े, जैसे खड़े ना आप वैसे ही खड़े होते थे शो में। नाम इनका चुनचुन है, मैंने इनका नाम रुंझुन कर दिया क्योंकि चुनचुन दिमाग में आता नहीं तो रुंझुन कर दिया। अब है क्या, चक्कर क्या है? ये बात तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल पते की कह रहे हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी दावत सजा लेती हैं और आप सारे लोग उस पर लपलपाते हुए नजर आते हैं। अरे गारंटी क्या है ये बताओ पहले, मुझे गारंटी बताओ। मैं एक बार से फिर से डिबेट खोलता हूं, गारंटी बताओ क्या है पहले, कांग्रेस दें बीजेपी। प्रतीक जी लगातार हम जो है इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, पिछले 9.5 साल से मोदी की सरकार है, उसके बाद जो है महिलाओं पर अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया है। खाली मध्य प्रदेश जो है वुमेन क्राइम में सबसे ऊपर है, वुमेन क्राइम में सबसे ज्यादा वहां पर जो है वुमेन क्राइम होता है। तो भाजपा सरकार से हमारी लगातार ये अपील रही है कि आप जो है एनसीआरबी के आंकड़े ही बोलते हैं, एनसीआर के आंकड़े बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में वुमेन क्राइम जो है सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैं मेरा बस चले तो वो जो अमृत कलश है ना, वो अमृत कलश बाबूजी ले आया हूं मैं। मेरे तो इतने कर्म नहीं है, हमारे पूर्वजों के तो इतने कर्म नहीं है कि वो देखने को मिल जाए, लेकिन अगर वो कहीं हो तो आप में से कोई हो तो लाके दे दो, मैं इन सारे नेताओं को वो अमृत कलश पिला दूं, अमृत कलश पिला दूं। वो अमृत पी लें, अमर हो जाएं, 1000-2000 साल के लिए अमृत पिलो, अमर हो जाओ। आ रहा हूं। हाँ जी, क्या काम करते हैं? सर मैं बेलदारी का काम करता हूँ। मजदूर नाम हो? जी सर मजदूर है। वाह बोलो सर। कैसे अंदर कैसे आ गए, कैसे आ गए भैया, कैसे अंदर कैसे आ गए ये बताओ। मैं राजस्थान के बारे में बताएंगे। कौन ये राजस्थान के बारे में बताएंगे? तो अंदर कैसे आ गए आप? ऐसे ही आ गए बोले, अंदर कैसे बोले, ऐसे ही आ गए बस। बोले दुनिया में कैसे आ गए? बोले बस आ गए। बोले गाड़ी बाहर खड़ी है, यहाँ जाइए और आगे आ जाइए। महिलाओं के मुद्दे पे बोलना चाहते हैं आपने, महिलाओं के मुद्दे पे, महिलाओं के क्षेत्र में कौन सा काम किया है? मैंने महिलाओं के मुद्दे पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मैं राजस्थान में जिला संयोजक हूँ करौली डिस्ट्रिक्ट से, और मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए हमने जो आवाज उठाई है उस आवाज मोदी जी तक पहुंची है, और मोदी जी ने महिलाओं के लिए सुना है। नई लोकसभा में महिला विधेयक ला करके महिलाओं को ऐसा सुदृढ़ बनाया जाएगा देश के अंदर जिससे वो अपने आप प्रतिनिधित्व करे और उस घटनाओं को रोकने का काम करेगी। सर मेरा नाम महेश राज है और मैं सच बात बताऊं सर, माइक मत हटाना, पूरा बताऊंगा क्या है राजनीति पूरे देश की। सरकार किसी की भी आए, कोई भी पीएम बने, हम गरीबों को कुछ नहीं मिलने वाला। हम गरीब लोग अगर अपने घर से बाहर जाएंगे तो रोटी कमाएंगे जब जाके खाएंगे, और किसी की भी सरकार मिले। अभी भी इनके मुद्दे क्या है? बेरोजगारी, गैस, पानी, अभी भी यही है। देश को कितने भी साल हो गए आजाद हुए, अगर आपको देश की बेरोजगारी मिटानी है, चुप हो जाओ भाइयों, अगर आपको देश की बेरोजगारी मिटानी है तो ऑल ओवर इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक बुलेट ट्रेन क्यों नहीं बनाते? बुलेट ट्रेन हर गाँव से लेके हर शहर तक होनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। जो अपने गांव से भाग रहे हैं लोग दिल्ली शहर कमाने के लिए, उन्हें गांव में ही काम मिले। और सबसे बड़ी बात, सरकार बनती है 5 साल के लिए, ये सबसे घटिया चीज है। कोई भी सरकार इस देश का पीएम बनना चाहता है वो 1 साल के लिए बने ताकि जो काम 5 साल में होना चाहिए वो 1 साल में हो जाए। क्योंकि और वोट मांगते भी कैसे सर, प्रचार को वोट देते हैं। क्या क्या काम करते हैं आप? सर बेलदारी। सर बेलदारी करते हैं, मिस्त्री हैं। हाँ जी सर, बोलने का हक तो सबको है, मिस्त्री हैं। सर 12वीं पास हूँ। 12वीं नहीं नहीं मैं पूछता ही नहीं किसी से, डिग्री नहीं पूछता, क्योंकि मुझे एक दिन मैंने किसी से पूछ लिया क्या डिग्री है, बोले कि मैं IITian हूँ। उसके बाद मैंने डिग्री बोलना बोल दिया, छोड़ दिया, मैं डिग्री नहीं पूछता, किसी से नहीं पूछता डिग्री, कोई जरूरत नहीं। इस देश में गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत अच्छी बात कह सकता है। नहीं रुकिए, बोलने की बीमारी मत पालो बेटा, बोलने की बीमारी मत पालो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मजदूर थे, ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए ऋतु कि ये क्रॉस कर पाते हैं। आपके पास कुर्ता था,
आपके पास पैजामा था, आपके पास वो था, ये सिर्फ लाइसेंस होता है। भाई साहब माफ माफ करिएगा, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, ये सिर्फ लाइसेंस है इस देश में कि कुर्ता अगर कलबदार है तो तुम कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। ज्यादा ना बोलिएगा नहीं तो कुर्ता भी फाड़ दूंगा दो मिनट के अंदर आपका, दो मिनट लगेंगे मुझे प्रभात। ये है रुनझुन लिए घूमो झुनझुना, ये है कुर्ता अगर है तुम्हारे पास तो कल पहन के आना और कलब लगवाने का पैसा ले लेना और फिर देखना लाइसेंस कैसा मिलता है। बढ़िया कुछ भी बोलो, आप बैठी रहिए न्याय के लिए, किसी को नहीं मिलेगा आज, आप डिबेट खत्म तुम लोग की, लोग कोई किसी को नहीं दूंगा आज। बारे में बोलना है कुछ दे दीजिए, मदद करिए, उसी बारे में बोलना है। प्रतीक भाई आप बड़ी मुश्किल से ये उम्मीद जागी है, मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि जब सारी नाउम्मीदी दिखती है किसी भी इंसान को, मैं बहुत दिनों से इस डिबेट में आ रहा हूँ, कोई कभी रोजगार के लिए आ जाता है, कोई अपने पेंशन के लिए आ जाता है, कोई पानी के लिए आ जाता है, कोई हमारी जैसी बहन आई है, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। मैं ऑन लाइव बोल रहा हूँ।